हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट फोर को। टॉपिक हमारा वही है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो हमने ये जो फर्स्ट है उसको कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा और डिविजन सीखा, ठीक है। सेकेंड, कंपेरिजन भी हमने करना सीखा कि अगर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट, वो किन किन कंडीशंस में वो अपने इंडिविजुअल फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा या किन किन कंडीशन में स्मॉलर होगा या किससे बड़ा और किससे छोटा होगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो पिछले जो तीन टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तीन पार्ट जो वीडियो बनाया है उसमें कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये थर्ड पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। और फिर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इफ पॉसिबल तो इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा चर्चा जरूर कर लेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी फ्रैक्शन का, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4, ओके। अगर हम इसको किसी एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 1/2 से, तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो 3 1 3, 4 2 8, मतलब 3/8। ये हो गया हमारा रिजल्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 3/4 एंड 1/2 का प्रोडक्ट। अब अगर 3/4 को हम लोग एक दूसरे फ्रैक्शन 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा ये, तो 3 × 4, 4 × 3, दैट इज 12/12, एंड 12 / 12 कितना होगा, 1 होगा, ओके। तो ये इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई दो फ्रैक्शन, अब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है डजंट मैटर, अगर दो फ्रैक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है अगर 1 आ जाए, तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है वो फर्स्ट का रेसिप्रोकल कहलाएगा और जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सेकेंड का रेसिप्रोकल कहलाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दैट 4/3 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। इसका उल्टा, 3/4 जो है वो 4/3 का रेसिप्रोकल है, समझ गए आप। तो रेसिप्रोकल में बेसिकली क्या होता है कि जो गिवन फ्रैक्शन है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जब आप रेसिप्रोकल निकालना होगा आपको या आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, वो यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया। तो बस यही करना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रेसिप्रोकल का यूज मेनली हमें जब डिवीजन करना होता है दो फ्रैक्शंस को, तो वहां पे यूज होता है। तो ये जानना आपके लिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम लोग अब तक एक्चुअली, जैसे मैंने अभी कहा आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने कहा कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, बट टोटल कंप्लीट नहीं है, इसमें भी हम लोग का डिवीजन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो डिवीजन को हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये रेसिप्रोकल जो है उसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि रेसिप्रोकल के बेस पे ही हम लोग डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स या फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि डिवीजन जब हमें करना हो एक फ्रैक्शन को एक दूसरे फ्रैक्शन से, तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के लिए तो हमारे पास रूल था कि हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन डिवीजन के लिए भी जो रूल है वो हम लोग जानेंगे। एक्चुअली हम लोग डिवीजन तो कर ही रहे थे, बट प्रॉपर वे में कैसे करेंगे वो चीज हम लोग अब समझेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको, जैसे 4/7 हो गया डिवाइडेड बाय 2/7। सबसे सिंपल हम लोग एक लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेते हैं, है ना, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है। अब इसको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4/2, 2 एंड 7/7, 1, मतलब 2 इज द आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 9/12 / 5/12। तो 9/5 जब आप करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 12/12,
अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि 9 और 5 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कोई होल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तो आपका ये हो जाएगा 1, बट अब ये 9 डिवाइडेड बाई 5, और फिर इसको एक्चुअली आप अगर आप कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो 9 बाई 5 हो जाएगा। मतलब आंसर वो आ जा रहा है, आंसर तो आ जा रहा है हमारा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी के साथ आ रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है ऑल द टाइम सूटेबल नहीं है, है ना, थोड़ा हमें प्रोसेस हमारा लेंदी हो जा रहा है। तो इसीलिए इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग के पास एक अनदर मेथड है जो हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, जहां हम लोग रेसिप्रोकल का हेल्प लेंगे। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, 9 बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 बाई 12। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हमें सबसे पहले क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और जो डिवीजन के बाद वाला जो हमारा फ्रैक्शन है उसको उसका कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब 12 बाई 5। ओके, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, अब बेसिकली ये मल्टीप्लाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा फ्रैक्शन था जिनको हमको डिवाइड करना था वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे क्विकली। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे हम लोग, तो ये 12 वन ज़ा 12, ये भी 12 वन ज़ा 12, यहाँ पे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 9 वन ज़ा 9 और 1 5 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्विकली हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे तो आप क्विकली इसी मेथड को यूज करेंगे, क्या है ना, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी सिचुएशन में हम लोग आसानी से आंसर अपना फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब एक बात, ओके, तो एक बात मैं आप लोग क्या बताना चाह रहा था कि अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक फ्रैक्शन है दूसरा भी फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो पहला हमारा फ्रैक्शन है ये होता है हमारा डिविडेंड कहलाता है, क्योंकि इसी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा है डिविडेंड है, और जो डिवाइड कर रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर। ओके, और अक्सर मैंने पाया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर डिविडेंड का रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। ठीक है ना, मतलब वो क्या करेंगे, जैसे 9 बाई 12 है, ये गलती आप ना करिए इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या करते हैं पहला फ्रैक्शन यानी 9 बाई 12 को वो रिवर्स कर देते हैं 12 बाई 9, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 12। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग रेसिप्रोकल किसका निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, रेसिप्रोकल जब हम निकालेंगे तो जो डिवाइजर है हमारा उसका रेसिप्रोकल निकालना है, डिविडेंड का रेसिप्रोकल नहीं करना है। ठीक है ना, डिविडेंड को एज इट इज लिखना है और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, ये जो है रॉन्ग है, इसमें आपको जो आंसर मिलेगा वो करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं डिविजन से रिलेटेड, कि अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करें, है ना। तो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन जो हम लोग जो मेथड सीखे हैं बेसिकली उसी मेथड को यूज करके हमें एक फ्रैक्शन को और होल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे 4 बाई 9 है, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किसी होल नंबर लाइक 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको जो 5 है हमारा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 बाई 1 करके लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा जाए तो 5 को हम लोग 5 बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 बाई 1 लिख सकते हैं। अब हमारा ये देखने में फ्रैक्शन जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया, तो डिविडेंड को एज इट इज लिख देंगे और डिवाइजर को क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 5 बाई 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई 5, और अब मल्टीप्लाई हम लोग को कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो 4 वन ज़ा 4 एंड 9 फाइव ज़ा 45। तो बहुत सिंपल है, कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब होल नंबर है तो उसको हम लोग बाई वन कर लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल के जैसा करते हैं वैसा कर देंगे।
और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग जैसे फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो प्रोसेस ये है, लेकिन अगर होल नंबर को अगर आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिवीजन होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। डिवीजन करते समय ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। इसीलिए डिवीजन करते समय हमेशा हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 9 है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3/7 से, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारा देखिए डिविडेंड हमारा 9 है, होल नंबर हमारा डिविडेंड है, और जो ये फ्रैक्शन है वो हमारा डिवाइजर है। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं डिविजन के समय में तो हमेशा डिवाइजर का रेसिप्रोकल निकालना होता है, तो ये हो जाएगा 7/3। अब इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 1 3 3 3 9, तो मतलब 3 7 29, राइट, 3 7 21, यस, ठीक है। तो ये छोटा छोटा बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रैक्शंस को एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं या होल नंबर और फ्रैक्शंस के बीच में आप कोई भी डिवीजन कर रहे हैं, तो इन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है और आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आप लोग थोड़ी देर पहले बताया कि डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब उसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मतलब आपने 4/6 को अगर 1/6 से डिवाइड कर रहे हैं और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे, 1/6 पहले कर दें और फिर डिवीजन कर दे 4/6, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज की बात होगी तो, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर को, 4/6 / 1/6। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, देखिए ये तो सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड और डेनोमेटर को डेनोमेटर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट हम लोग जो सेकेंड प्रोसेस सीखे हर बार हम लोग उसी को यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4/6 × 6/1, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा, ओके। इसी तरह से आप बाकी जो है उसको खुद सॉल्व करें। नाउ तो अगेन इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहां पे हमारा पहला जो डिवाइजर है वो होल नंबर है, और सॉरी नॉट डिवाइजर, डिविडेंड हमारा होल नंबर है और डिवाइजर हमारा एक फ्रैक्शन है। कैसे करेंगे, तो जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, 4/1 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 ही आएगा। सो सिमिलरली ये सबको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पे हमारा एक फ्रैक्शन जो है वो डिविडेंड है और एक होल नंबर जो है वो डिवाइजर है, कैसे करेंगे, तो 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, 1/6। अब आप देखिए तो यहाँ पे कट आ सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे 1 1 1 और 5 2 10, दिस इज द आंसर। ठीक इसी तरह से सेकेंड थर्ड और फोर्थ को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 4/9 × 3/2। अब आप यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 और 3 1 3 3 3 9, तो आपका हो गया 2 1 2 and 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन आ गए हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन आ गए हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये एक है तो 2 5 10 and 1 11/5 / 5 1 5 and 1 6/5, अब 11/5 × 5/6, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 11/6, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा शॉर्टर मेथड भी यूज करेंगे, अब हर बार नहीं हम लोग एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग डिटेल में हर बार नहीं बनाएंगे, अगर हम लोग थोड़ा हैबिचुएटेड हो गए हैं तो हम लोग क्विकली भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है जो रूल्स हैं उसको, ओके। तो हमने लगभग एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीख लिया है ना, यहाँ तक कि
फ्रैक्शन को होल नंबर से या होल नंबर को भी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हमने सीख लिया है। रेसिप्रोकल क्या होता है वो भी हमने समझ लिया है। अब हम लोग उसी से रिलेटेड अगर हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनमें फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है और उनको डिवाइड करना पड़ रहा है तो कैसे करेंगे, थोड़ा उसको भी समझते हैं। जैसे ही हमारा पहला ही क्वेश्चन है, वर्ड बेस्ड, श्रीधरन टू के बस फ्रॉम ए बस स्टॉप फॉर 8x9 miles इन ए सिटी, है ना, मतलब वो कहीं जाना चाह रहे हैं जो 8x9 miles है, जहां से वो बस पे चढ़ रहे हैं वहां से 8x9 miles पे। इसको हम लोग थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे है श्रीधरन, एस से मैं डिनोट कर रहा हूं, और इनको कहीं जाना है जो है 8x9 miles पे। माइल्स एक यूनिट है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब ये बस यहां पे चढ़े हैं, बस यहां से जा रही है, ठीक है, बस यहां से जा रही है, ओके। और ये क्या होता है कि द बस स्टॉप्स एवरी 2x9 mile, मतलब बस कुछ दूर गई 2x9 पर, यहां पे रुक गई, यहां पे, फिर यहां पे रुकी, फिर थोड़े दूर 2 mile पे गई, फिर वहां पे रुकी, फिर यहां से गई यहां भी रुकी, फिर यहां पे गई तो यहां भी रुकेगी, ये 2x9 हो जाएगा, है ना, ठीक है। 2x9 एक्चुअली बनी होगी, ये 2x9 है तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और फिर ये 8, फिर यहां पे भी रुकेगी, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो है वो है 2x9, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2x9 mile है। ओके, तो इस तरह से वो जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द बस स्टॉप्स व्हाइल श्रीधरन वाज ऑन इट, तो देखिए देखने से ही लग रहा है कि बस यहां पे रुकी, फिर यहां पे रुकेगी, फिर यहां रुकेगी, फिर यहां रुकेगी, फिर यहां रुकेगी, मतलब फोर्थ टाइम्स में वो जहां उनको पहुंचना है वो उतर जाएंगे। वो मतलब कितनी बार रुकी बस, यहां पे तो रुकी है, यहां पे चढ़े हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे एक बार रुकी, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो डायग्राम से ही हमने आंसर तो पा लिया, लेकिन दिस इज नॉट द वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये समझने के लिए था। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं द रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ टाइम्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू, तो उनको जाना है 8x9 और बस हर 2x9 पे रुक रही है, तो डिवाइड कर देंगे, ओके, तो डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 8x9 मल्टीप्लाइड बाई 9x2, तो ये 9 से 9 कैंसिल, और ये 2 1 2 2 4 8, मतलब हो गया 4x1 मीन्स 4 times, दिस इज द आंसर, ओके। आप देख भी सकते हैं 4 times में बस पहुंच जा रही है अपने डेस्टिनेशन पे, और आंसर भी हमारा 4 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मीशा हैड ए बोटल दैट कैन होल्ड 15x16 liters ऑफ ए मिल्क, मतलब मीशा के पास एक बोटल है जिसमें 15x16 liter ऑफ ए मिल्क अटता है। अब 15x16 मतलब कि 1 liter से थोड़ा कम अटता है दूध, है ना। अब उसके पास एक मेजरिंग कप है जो 1x8 liter मेजर कर लेता है एक बार में। अब 1x8 liter आपका 125 मिलीलीटर के बराबर हो गया। अब वो कैसे हुआ मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बस आप एज्यूम कर लीजिए मेरी बातों को, आप मान सकते हैं यहाँ पे 1x8 liter मीन्स 125 मिलीलीटर एक कप एक बार में वो मेजर करता है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेजरिंग कप्स ऑफ मिल्क डिड शी रिक्वायर टू फिल हर बॉटल, मतलब कितना बार वो अपना बॉटल को भरने के लिए कितना बार उसको अपने वो कप से भरना पड़ेगा ताकि वो कप उसका बॉटल भर जाए। तो यहां भी हम लोग बेसिकली डिवाइड ही करेंगे, ठीक है ना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, सीधे सीधे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स तो उसका जो बॉटल है उसका है कैपेसिटी 15x16 और ये है 1x8। अब ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि दोनों का जो यूनिट है वो लीटर ही है, इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग सिंपली डिवाइड कर दिए।
अगर यूनिट डिफरेंट होता तो फिर हमें उसको फिर एक यूनिट में लाकर तब डिवाइड करना पड़ता, राइट। तो अब ये क्या हो गया, 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 8/1। अभी 8 ones are 8, 8 twos are 16, क्या हो गया, 15 ones are 15/2। अब ये आ गया हमारा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 sevens are 14 and 1/2 टाइम्स, मतलब 7 बार उसको पूरा भरना पड़ेगा और लास्ट टाइम में आधा कप भरेगी तो वो बोतल भर जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, 7 1/2, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिशा बिल्ट ए टावर ऑफ ब्लॉक्स दैट वाज 2/3 meter टॉल। बिल्ट ए टावर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक मतलब समझ लीजिए कोई क्यूबॉइड के शेप का कोई भी चीज है, लकड़ी का भी हो सकता है या कार्डबोर्ड का हो सकता है ना, जैसे इस तरह का कोई कार्डबोर्ड है ब्लॉक शेप में। अब इसको एक के ऊपर एक रख के वो एक टावर बना देती है, ठीक है। अब मैंने सिंपल बनाया है, वो थोड़ा और भी कई शेप में हो सकता है। तो ये टावर का हाइट क्या है, 2/3 meter। द ब्लॉक्स वेयर ईच 1/15 meter टॉल, मतलब ये जो एक ब्लॉक है यहां से लेकर यहां तक, इसका हाइट है 1/15 meter। हाउ मेनी ब्लॉक्स डिड शी यूज, कितना ब्लॉक वो यूज की है ये 2/3 meter ऊंचा टावर बनाने में, है ना। तो यहां भी हम लोग बेसिकली डिवाइड ही करेंगे, टोटल हाइट है 2/3 meter और एक ब्लॉक का हाइट है 1/15 meter। तो क्योंकि ब्लॉक से ही टावर बना है, यानी हमको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है तो डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, या मतलब जो प्रोसेस क्या होगा, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू तो देखिए जो टावर का हाइट है और ये ब्लॉक का हाइट है, तो ध्यान रखना है ब्लॉक का हाइट, ब्लॉक का हमको नंबर ऑफ निकालना है तो ब्लॉक के हाइट से डिवाइड करेंगे, मतलब टावर का हाइट को पहले लिखना है और ब्लॉक के हाइट को बाद में। और एक बार ध्यान फिर से मैं आपको बता दूं कि दोनों मीटर में है तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे डिवाइड कर देना जो भी दिया हुआ नंबर, 2/3 multiplied by 15/1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, 5 times में कट गया, 2 5s are 10, मतलब 10 ब्लॉक्स लगे हैं ये 2/3 meter टावर बनाने में, ठीक है, 2/3 meter ऊंचा टावर बनाने में 10 ब्लॉक्स लगे हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांताज मॉम स्लाइस्ड एन ऑरेंज फॉर हर। स्लाइस्ड मतलब होता है संतरा है जब हम उसको काट देते हैं दो या अधिक भागों में तो उसको स्लाइस कहा जाता है, ठीक है। तो कांता की जो मॉम है ऑरेंज को स्लाइस मतलब टुकड़ों में करके कर देती है उसके लिए, शी गिव 2/3 ऑफ स्लाइसेस ऑफ द ऑरेंज, मतलब जो भी स्लाइसेस हैं जितने भी स्लाइसेस हैं उनमें से 2/3 ऑफ ऑल द स्लाइसेस वो दे देती है कांता को, ईच स्लाइस वॉज 1/12 ऑफ द ऑरेंज। अब एक स्लाइस जो है वो ऑरेंज का 1/12 हिस्सा में है, तो हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज डिड कांता हैव, कांता के पास कितने स्लाइसेस हैं ये हमें बताना है। तो इसको समझिए, टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्लाइसेस ऑफ द ऑरेंज। तो यहां भी हम लोग 2/3 उसको मिलता है और हर एक स्लाइस जो है 1/12 है, तो यहां भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लाइसेस, सो 2/3 divided by 1/12। थ्री फोर्स आर 12, 2 4s are 8।
ठीक है, 8 स्लाइसेस उसको मिलता है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक स्लाइस जो है 1/12 है पूरा ऑरेंज का, मतलब आप समझ लीजिए कि उस ऑरेंज के 12 स्लाइसेस किए गए हैं, ठीक है ना, 12 स्लाइसेस किए गए हैं। अब 12 स्लाइसेस में से 2/3 स्लाइसेस उसको मिल गया, तो 12 का 2/3 आप अगर निकालेंगे 2/3 ऑफ 12 तो कितना आ जाएगा, 3, 4 + 12, 4 + 8 तो वैसे भी आपका 8 आ रहा है, यानी 8 स्लाइसेस उसको मिला है ना। तो थोड़ा हम लोग कन्फर्म भी कर लिए, तो आवर आंसर इज करेक्ट है ना। एक स्लाइस 1/12 है, उसको टोटल स्लाइस का 2/13 मिल, टोटल जो जो स्लाइस है उसके पास, सपोज कि जो 12 ही है जैसे यहाँ पे हम लोग निकालें, उसका 2/3 मतलब 8 स्लाइसेस उसको उसकी माँ ने दिया, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके उस नंबर को फाइंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट युक्ति। क्लाइंब्ड 1/2 ऑफ द स्टेयर्स एट हर हाउस। 1/2 ऑफ द स्टेयर्स मतलब उसके जो सीढ़ियां हैं उनका 1/2 वो क्लाइंब कर गई। अब 1/2 मतलब कितना, अगर उसके स्टेयर्स में 10 स्टेप्स हैं तो समझिए कि 5 स्टेप्स क्लाइंब कर गई। अगर 20 स्टेप्स है तो 20 का हाफ कितना होता है, 10 स्टेप्स क्लाइंब कर गई है ना। तो अभी हमें नंबर ऑफ जो स्टेप्स है नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि उसका 1/2 जो है वो क्लाइंब कर चुकी है वो युक्ति। अब कह रहा है ईच स्टेयर वॉज 1/14 ऑफ द स्टेयर केस। जो ईच स्टेयर जो है वो पूरे स्टेयर केस का 1/14 है, तो हाउ मेनी स्टेयर हैज शी क्लाइम। तो देखिए एग्जैक्टली जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा उसी के जैसा है, तो यहाँ भी हमें वही करना है, डिवाइड कर देना है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉल्व योर सेल्फ। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिविजन वो कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट में डेसिमल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अब तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे है ना, स्पेशली हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिविजन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अब हम लोग थोड़ा डेसिमल्स यहाँ से शुरू करेंगे है ना। छोटा सा टॉपिक है और समय भी है हम लोग के पास, तो हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेसिमल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करना या कंपेयर करना या और भी जो डिफरेंट हैं उसको करेंगे। तो क्या होता है डेसिमल, थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डेसिमल जो होते हैं वो भी एक फ्रैक्शन ही होते हैं है ना। जैसे आप लिखते हैं 1/2, 4/5, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। अगर आप लिखते हैं 6/10, 5/100, तो ये भी फ्रैक्शंस ही हैं, लेकिन इनको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलेंगे है ना। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए, जैसे 2/1000, या इवन 10,000 हो जाए जैसे 9/10,000, ठीक है, या इवन आप 1,00,000 कर दीजिए, तो अगर किसी भी डेसिमल का फ्रैक्शन 10, 100,000 या 10,000 या इसी तरह से है, तो उसी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं या डेसिमल्स, ठीक है ना, शॉर्ट में डेसिमल्स बोलते हैं। कब, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, 10,00,000 हो जाए, करोड़ हो जाए या इसी तरह और आगे बढ़ता जाए, तो हम उसको डेसिमल्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसको लिखने के लिए थोड़ा हम लोग एक ऐसे डेसिमल्स फ्रैक्शंस के लिए को हम लोग लिखने के लिए एक अदर तरीका भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए 6/10 है ना, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको 6/10 है, तो 6/10 को लिखने के लिए हम लिखेंगे 0.6, ठीक है। या मान लीजिए कोई नंबर है 25/10, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक आपको नंबर मिल रहा है और एक राइट में मिल रहा है, तो लेफ्ट में जो नंबर मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोला जाता है इसको। जो लेफ्ट में जो होता है, आई एम सॉरी नॉट डेसिमल पार्ट, जो लेफ्ट में जो होता है, रुकिए लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर क्लैरिटी, ये जो हमारा पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट। और आपको याद होगा हम लोग शुरू में इस पर चर्चा भी किए थे है ना, जब शुरुआत किए थे तो इस पर हम लोग चर्चा किए थे, होल नंबर पार्ट है ये। और जो पॉइंट के राइट साइड में लिखा गया है ये हमारा कहलाएगा डेसिमल पार्ट,
और ये जो पॉइंट है जो इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा डर्टी हो रहा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको रहने देते हैं। क्या हम लोग सीखे कि अगर कोई डेसिमल नंबर है जैसे 2.5, यही नंबर लेते हैं, तो ये पॉइंट के लेफ्ट में हमें कुछ नंबर मिल रहे हैं जैसे ये 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर पार्ट। और राइट में भी एक नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। और इन दोनों पार्ट को अलग करने वाला जो पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और शुरू में मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर है जैसे, या फ्रैक्शन ही है, ले लीजिए 6/10 है, 5/100 है, या 1/5/7/1000 है, या इसी तरह और भी अगर कुछ नंबर लिखा जाए जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या अदर हो, तो उसी को हम लोग डेसिमल्स कहते हैं। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, तो जैसे 6/10 है तो इसको लिखेंगे 0.6, 5/100 है तो इसको लिखेंगे 0.05, 1/5/7/1000 तो इसको लिखेंगे 0.157। इसी तरह से अगर कोई इस तरह से नंबर है, सपोज कीजिए 2179/100, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 21.79। और ये सारी चीज़ें हमने 5th class, 6th class में भी पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया जा रहा है। तो ये सभी डेसिमल्स हैं, लेकिन इसको हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट का यूज करके, ठीक है। तो दो, ये सुविधा के लिए, ठीक है ना, इससे कन्वीनियंट हो जाता है लिखना और उसको कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको बस थोड़ा सा सीख लेना है कि जब हम लोग पॉइंट्स वाले डेसिमल्स यूज करते हैं तो कैसे उसको एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेसिमल को समझने के लिए, है ना, कैसे हम लोग किसी डेसिमल को रीड करेंगे, उसके लिए टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी होल नंबर की बात अगर करें, कोई भी होल नंबर, जैसे 8, 2, 3, तो आप बताएंगे कि ये जो 3 है वो हमारा कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, 2 कौन से प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, और ये 8 कौन से प्लेस पे है, 100s प्लेस पे है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी में हम लोग कोई पॉइंट लगा दें, फिर लिख दें 1, 5, 3, तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा उसका प्लेस क्या होगा, तो इसका प्लेस आप याद रखिए, इसको हम लोग बोलेंगे 10th प्लेस, TENTH। देखिए ये 10s है और ये 10th है, बहुत डिफरेंस है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10s और ये 10s, बहुत डिफरेंस है। 10s का मतलब होता है 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10th का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये 6 का मतलब है 6/10, और यहाँ जो 9 है इसका मतलब है 90, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी 6 होता तो उसका मतलब होता है 60, देख रहे हैं 6/10 और 60 में बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। तो इन्हीं बातों को बस समझना है, ओके। अब ये उसी तरह से सेकंड प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 100th हो जाएगा। अब 100th का मतलब होता है 1/100। अच्छा, इसका अगर हम लोग एक्चुअली मतलब समझें तो इसका मतलब ये है कि 100 पार्ट्स में 1 पार्ट। कोई एक होल ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें से एक पार्ट को अगर हम लोग को डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, 1/100 से। अब यहाँ पे 1/100 में 2 है, इसका मतलब 2/100, मतलब 100 में से 2 पार्ट की बात हो रही है, इस डिजिट का यही मतलब है, है ना। उसी तरह से 1/1000 का मतलब है 7/1000, मतलब 1000 पार्ट में 7 पार्ट। अब अगर इनको हम लोग कलेक्टिवली ले लें 6, 2, 7, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल 1000 पार्ट हैं, उनमें से 627 पार्ट्स की बात हो रही है। इसको और अच्छा समझना है तो एक चीज हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे वो हमारा नंबर क्या था, 592627, 592.627,
इसको अगर हम लोग और डिटेल में समझे तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 592 प्लस। अब इधर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये हम लोग वंस प्लेस का है, वंस टेंथ हंड्रेड इधर हम लोग जानते हैं, डेसिमल पार्ट पे एक्सपेंड करते हैं। तो ये सिक्स कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड टेंथ प्लेस पे है, तो ये 6/10 हो जाएगा। टू कौन से प्लेस पे, हंड्रेड प्लेस पे, तो ये 2/100 हो जाएगा। और सेवन कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे, तो ये 7/1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो देख लीजिए फिर से, हम लोग टेबल को देख लेते हैं। सेवन कौन से प्लेस पे है, 1/1000 प्लेस पे है, तो 7 × 1/1000 7/1000 हो जाएगा। उसी तरह से ये 2 1/100 यानी 2/100 प्लेस पे हो जाएगा। और इसी तरह से ये 6/10। अब अगर इन लोग हम लोग प्लस कर देते हैं तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 एलसीएम हो गया। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। ओके, उसी तरह से इसका डिनोमिनेटर 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और ये तो 7 ही हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब आप इसको जोड़िए, अच्छा यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू लिख दिए हैं, प्लस ही में रहेगा ये। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 627 हो गया बाई 1000, है ना। मतलब क्या समझे आप कि 592 होल है और उसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट का 1000 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से 627 की बात हो रही है, यही मतलब हुआ इस डेसिमल नंबर का। ठीक है, तो पहले हम लोग मतलब समझ गए, अब हम लोग थोड़ा और आगे समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, कंपेयर करना, इसको कैसे करेंगे कंपेयर, अगर दो डेसिमल है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, इसको भी हमें सीखना है, लेकिन अब इस पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिलहाल हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं, तो उनको समझना है, फिर डेसिमल पर भी थोड़ा चर्चा हो गया, अब इसको कंपेयर कैसे करना, तो ये फर्दर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना। बड़ा तो टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी, बड़ा मैंने बोल दिया, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग एक फ्रेश माइंड से एक अलग पार्ट में समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।